हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैकेनिज़्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कि कैसा हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनमें किस किस टाइप से या कैसा लोकोमोशन स्टार्ट हो रहा है कैसा मूवमेंट वहाँ स्टार्ट हो रहा है इस बात को हमने समझा था हमारी पिछली क्लासेस में सो टुडेज क्लास में हमें यह जानना है कि वहाँ कुछ रिपीटेड एक्टिविटी रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स में थकान सी फील होती है जिसको हम मसल्स फैटिक कहते हैं देखिए द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर वेरीज इन डिफरेंट मसल्स जो मसल्स में रिएक्शंस होने का है वो वेरीज है वो डिफरेंट है फ्रॉम मसल्स टू मसल्स रिपीटेड एक्टिव एक्टिवेशन ऑफ़ द मसल्स लीड टू दूमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड रिपीटेड मसल्स एक्टिविटी कैन कॉज टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज़ द कॉज और विच इज़ द रीजन फॉर मसल्स फैटिक फैटिक कहते हैं थक जाने को तो हम कभी दूर चलिए ज़्यादा चलिए ज़्यादा काम करने कर लिए बोले तो हमारे हाथ पैर थकने लगते हैं जिसको हम बोलेंगे मसल्स फैटिक दिस इज ड्यू टू दिनार्बिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स ये किसकी वजह से होता बोले तो अनार्बिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इन द मसल्स जिसकी वजह से हमें थकान जैसी फील होती है ठीक है नाउ

रेस्पिरेशन, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन स्लोली कॉन्ट्रेक्शन होता है इसके अंदर एक और एक टाइप के मसल्स होते हैं वाइट मसल्स जिनके पास मियोग्लोबिन कम होता है लेस माइटोकॉन्ड्रिया एनार्बिक रेस्परेशन होता है फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर द शॉर्ट पीरियड के लिए एक फास्ट कॉन्ट्रैक्शन ये दिखाई देते हैं ठीक है आई होप यू कैन गॉट दिस पॉइंट राइट नाउ आफ्टर दोकोमेटरी रीजन लोकोमेटरी फैक्टर वन ऑफ द मसल्स मसल्स इज ए ऑर्गन ऑफ द बॉडी टिश्यू ऑफ द बॉडी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज द रोल इन द लोकोमोशन लोकोमोशन और मूवमेंट होने के लिए बॉडी में मसल्स का काफ़ी बड़ा योगदान है यहाँ पर ठीक है तो मसल्स के बारे में हमने स्ट्रक्चर मसल्स के फंक्शंस को काफी डिटेल में जाना है अब इसी लोकोमोशन को जुड़ा हुआ अनदर पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट इज आवर स्केलेटल सिस्टम सो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारा जो ढांचा है हड्डियों का उसे हम स्केलेटल कहते हैं बिना हड्डियों के हम कुछ नहीं है हड्डियां हमारा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से हम दिखते हैं जिसकी वजह से हम बैठते हैं चलते हैं तो उसको हम फ्रेमवर्क जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम ठीक है सो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन विच हैज़ रोल इन द मोमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी हमारे जो बोनी स्ट्रक्चर है यूँ तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं वहाँ पर लेकिन हमारा मोमेंट होने के लिए फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी वेरी नेसेसरी सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम हमारा जो स्किलटल सिस्टम है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स वो कहाँ होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे दिखते हैं इस बारे में जानेंगे सो so, स्टूडेंट्स ये जो आपको दिख रहा है ये ह्यूमन स्केलेटल है इसके अंदर आपको मसल्स ऑर्गन्स एंड इन सबको कवर करके होता है स्किन ठीक है ये हमारा इनसाइड स्ट्रक्चर है हम सब इंसानों का इनसाइड स्ट्रक्चर है ये जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं ठीक है थीके? इसके अंदर हमारे स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं हार्ट ब्रेन किडनी एंड उन सब के बीच में प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट के लिए मसल्स होते हैं और उन सब पे कवर करके होता है स्किन ओके सो द लेट अस स्टडी अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या क्या अपने पास रखता है वाट इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स अबाउट टू नॉट सिक्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस तो हमारे पास हड्डियाँ जो है टू नॉट सिक्स होते हैं और कार्टिलेज भी होता है सर वाट इज द काटिलेज ईयर आप कान को पकड़ के देखो तो ईयर पिन्ना एंड टिप्स ऑफ दी नोस एंड द इन नेक रीजन यू कैन सी द कार्टिलेज वो नरम होता है मसल्स के उतना भी नहीं और सकत में हड्डी के उतना घट भी नहीं इन बिट्वीन अब हिंग मृत्यु कीत सो दैट इज कार्टिलेज तो हमारा स्केलेटल सिस्टम हड्डी से और कार्टिलेज से जुड़कर बने हुआ होता है तो इसके पास टू नॉट सिक्स बोन्स होते हैं और कार्टिलेज भी होता है बोन्स हैव वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साक्ट हड्डी एक टिश्यू है ठीक है एक बोन है ये भी एक टिशूलाइज कनेक्टेड टिश्यू में जमा होता है बोन हमारा जो हार्ड है ये टिश्यू इसकी मैट्रिक्स हार्ड है टफ है टफ इसलिए बिकॉज़ ऑफ़ इसके अंदर कैल्शियम होता है कार्टिलेज है स्लाइटली पेलिएबल मैट्रिक्स डू टू दिन साल्ट इसके पास कॉन्ड्रैक्टिन साल्ट की वजह से कार्टिलेज थोड़ा सा नरम होता है ओके okay. नाउ तो द ह्यूमन एक्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू दीज टाइप्स देखिए डाइग्राम में उन्होंने कलर को बदल कर आपको कितना नीटली रिप्रजेंट किया है एक्जाइल एक्केलेटल सिस्टम कैसा होता है ये वाला एक्साइल है देखिए हेड रिप्स एंड वर्टिप्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में जो पाया जाता है इसको हम बोलेंगे एक्साइल स्केलेटल सिस्टम और इसको छोड़कर देखिए ये जो शेडेड है यहाँ पे ब्लू कलर का ये ब्लू कलर यहाँ नहीं है ब्लू कलर साइड में है देखिए हेड स्कल कलरलेस है रिप्स कलरलेस है वर्टिप्रल कॉलम कलरलेस है इसको छोड़कर इसको बोलेंगे गार्डल्स साइड्स के गार्डल्स है हैंड्स है ये पैक्टोरल गार्डिले पेल्विक गार्डल यहाँ लिम्स के बोन है ये जो कलर पोर्शन दिखा रहा है आपको साइड का हेंस इट इज ए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ठीक है यहां एक्साइल स्केलेटल सिस्टम एंड यहां अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम सो ह्यूमन बीइंग हैज टू टाइप ऑफ स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन दैट इज एक्सिलरी फॉर्म स्ट्रेट लाइन Appendicular appendicular form the lateral line uh, at the side skeletal system present that is considered as appendicular skeletal and the straight line presentation of the skeletal is considered as the axillary skeletal system. Students in axillary skeletal system you can see head bone of the head as I told you vertebral column.

फुल लिम्स किसे कहना चाहिए हाथ कई घड़ी हिंड लिम्स किसे कहना चाहिए Lim uh, पैरों को काल ठीक है ये बोन्स ऑफ द हैंड बोन्स ऑफ द लेग पेक्टोरल गार्डिल दिस इज शोल्डर बोन पेक्टोरल गार्डिल एंड पेल्विक गार्डल दिस इज दी दी जो कंबर जिसको बोलते हैं दैट इज पेल्विक गार्डन ओके सो आई होप यू कैन गॉट दिस स्केलेटल सिस्टम structure while in next class we will study detail the different parts their names their structure of the bones in detail thank you